इसमें मैंने आलू भर दिए, ये ठीक है, जिसमें हमने सारा मसाला लगा दिया था। अब हमारे पास ये भीगे हुए चने हैं, काले चने, ठीक है, ये आप रात में गला के रख देते हैं? रात में गला के रख देते हैं, सुबह उठते हैं और इनको जब बॉईल करते हैं उसी समय इसकी सॉल्ट डाल देते हैं, ताकि इसका जो नमक है वो उसमें उसके अंदर सोख ले, है ना। तो ये मैंने इसको ये देखिए भर दिया अच्छे से, पूरा लोडेड हो गया। इसके बाद ये भीगे हुए हरे मूंग है, ये देखिए ये भीगे हुए हरे मूंग है, इनको भी हमने इसमें भर दिया। इसको भी बॉईल करते समय इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। अब इसके बाद ये है दही, जिसको कि फेंट लिया है, ठीक है, ये दही हम इसके अंदर भरेंगे। दही के अंदर शक्कर अक्कर हनी कुछ डालते हो? नॉर्मल दही है ये? नहीं, ये थोड़ा सा मीठा किया हुआ दही है, क्योंकि गर्मी के दिन है तो ये खट्टा हो जाएगा तो उसका टेस्ट जो है वो ख़राब लगेगा, है ना। इसके अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची की चटनी, थोड़ा सा स्पाइसी बन आ जाएगा ना। हाँ, स्पाइसी बन आ जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी डालेंगे मीठी चटनी, ये हमारी एक लेयर हुई है अभी। इसके बाद इसमें ये मैंने डाले, होम मेड है या परचेज करते हो चटनियाँ? ये सब होम मेड है, है ना। इसके बाद ये मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये चाट मसाला, ये काला नमक और ये सफ़ेद नमक। इसके बाद इसको दोबारा हम इसको कवर करेंगे दही से, ताकि ये पूरी कवर हो जाए, लोडेड हो गई है मैम पूरी, हाँ, और दिखने में सुंदर दिखे। एक चैलेंज है भैया, जिसने ये एक बार ना पूरी खा ली, पूरी मुंह में जिसके अंदर आ गई तो खा पी के अंदाजी की तरफ से यहाँ पे एक महीने तक का खाना पूरा फ्री। बिल्कुल, आप इसको खा के दिखाइए और मेरे को एक बार में खाना है, कभी एक बार में खा लेते हो और ये वीडियो मेरे तक आ गई, आप मेल कर दो मेरे को, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, तो मेरी तरफ से खा पी के अंदाजी की तरफ से यहाँ पे एक महीने तक का खाना बिल्कुल फ्री। आप एक महीने जो चाहे वो खा सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं एक महीने तक। ये मैंने हरी चटनी डाली थी, अब मैंने लाल चटनी डाली, अब देखिए अच्छा कलरफुल बन गया है ना। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, जो कि ये कटी हुई रखी है, इसको डेकोरेट कर देंगे इससे। इसके ऊपर एक बार और मसाला डालेंगे, ताकि ये जो अब हमने ऊपर से दही चटनी वगैरह डाली है वो सारा कवर अप हो जाए और फ्लेवर आ जाए, फ्लेवर आ जाए। थोड़ी सी लाल पीसी हुई मिर्च डालते हैं लास्ट में, ठीक है। इसके ऊपर इसके बाद हम डाल देते हैं सेव, अच्छे से काफ़ी सारी वो लोडेड कर दिया आंटी ने उसको। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम श्रुति। श्रुति, कितना टाइम हो गया आपका यहाँ पे? यहाँ पे हमने 28th February से अभी खोला है, मतलब न्यू स्टार्टअप। न्यू स्टार्टअप। और कैसा रिस्पांस आ रहा है मैम? रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, स्पेशली सैटरडे संडे को काफ़ी रश होता है और लोग हमारी जैसे भेल भी बनाते हैं, भेल की इसकी सबकी तारीफ करके जाते हैं। रिस्पांस और बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी वीडियो आने वाली है कहां पे? आप इंदौरी पे। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे लोगों को पता नहीं था राज कचौरी, पहले जब लोग आते थे तो कहते थे इतना बड़ा पानी का बतासा रखा हुआ है कि मैम ये क्या है। तो हमने धीरे धीरे बता के जो माउथ पब्लिसिटी हुई है उससे जो हमारे पास आ रहे हैं कस्टमर, तो वो काफ़ी, और ऑब्वियसली अब आप करेंगे तो हमारे उम्मीद है कि आएंगे। इसे कस्टमर का एक ही बात रहता है, मैं भी हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरे को टेस्ट पसंद आएगा तो मैं ऑटोमेटिकली रिटर्न आऊँगा। बिल्कुल, और अपने लिए मेन फोकस होता है कि रिटर्न कस्टमर ज़्यादा है। अब मैंने इसको गार्निश कर दिया काजू से, सेव से, सबसे। ये राज कचौरी मेरी पूरी रेडी हो चुकी है, देख सकते हो गाइस कितनी लोडेड है। मैं इसको अभी टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरी एक और चीज़ बाकी है, इसका नाम है लच्छा टोकरी। लच्छा टोकरी ये भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद दोनों का एक साथ टेस्ट करूँगा मैं। अब इसमें फिर से सेम हमने इसमें आलू भरना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट स्टफिंग इसकी सेम ही होती है ना। ये की 60 रुपीज़ पर पीस। इसके बाद इसमें मैंने ये चने भर दिए, ठीक है, काले वाले, ये भर दिए मूंग, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग वो लाने के लिए बूंदी डालेंगे लास्ट में, तो बूंदी का जो टेस्ट होता है थोड़ा सा वो स्पाइसी हो जाता है। और इसकी स्पेशलिटी है कि बहुत डग होती है, इसलिए इसमें 2 स्पून हम पहले लगा देते हैं ताकि ये थोड़ी सी बैठ जाए, बैठ जाए, वो पूरी घूमती रहती है, घूमती रहती है ना। तो ये घूमने वाली लच्छा टोकरी, वो कटोरी है ना, हाँ, इसलिए। तो ये इसके ऊपर हमने डाला दही, ये थोड़ी सी टिल्ट रहेगी तो इसका टिल्ट ही अपने को लुक मिलता है। ये दही डाल दिया, सेम यहाँ पे ग्रीन चटनी,
ये डाल दी हमने मीठी चटनी। और इसमें डाल रही हूँ मैं मसाले, ये हमारे पूरे जितने भी मसाले हैं, काला नमक, सफ़ेद नमक, ये सब डाल दिया। अब इसको फिर से कर देंगे हम इसको कवर पूरा दही से, ये पूरा दही इसके ऊपर। दही किंगे दोनों डिशों में ऐसा बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल। और गर्मियों में दही बहुत अच्छा होता बहुत है, अच्छा होता है कि ये स्प्राउट्स जो है ये भी बहुत हेल्दी हैं। तो जैसे जो भी कोई खाता है तो ये पूरा आपका एक पीस आपको इतना हैवी है कि आपको उसके बाद मेरे ख्याल से तो कुछ खाने की और ज़रूरत पड़ने नहीं चाहिए। 60 रुपीज़ का ना मैम ये? 60 रुपीज़ का। और एसएस क्यों रखा है आपने एसएस फूड? एसएस फूड ऐसे है कि मेरा नाम श्रुति और मेरे हस्बैंड का नाम संदीप है और हम लोगों ने मिल के ये खोला हुआ है, तो इसलिए हमारा एसएस फूड्स के नाम से। एक बार सर को भी दिखा दीजिए, सर भी बहुत मेहनत करते हैं मैम के साथ। क्या नाम है सर आपका? संदीप। संदीप जी ये डाल दिए रेड चिली, ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे बूंदी, बूंदी इसको अलग टेस्ट देती है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे हमको बच्चों के लिए ऑर्डर्स आते हैं, हाँ। शादी या पार्टी के ऑर्डर मिलते हैं, बच्चों के बर्थडे के ऑर्डर, तो हम इसकी स्टफिंग चेंज कर देते हैं। इसको हम कॉर्न में, चीज़ में, पनीर में, जो बच्चे खा सकें, बच्चा ना स्पाइसी भी फील ना करें उसमें जो। और ये लास्ट में हम इस पर गार्निश करेंगे काजू रख के। ये रेडी हो गया, ये रेडी हो गया है ना, ये हो गई लच्छा टोकरी। ये हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी है। मेन इसका जो एक तो डिफरेंस है वो है इसकी कवरिंग, जैसे मैंने बताया, हाँ हाँ। ये आलू की और वो रवे और मैदे की। दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी है, मैं दोनों चीज़ें ट्राई करूंगा और आपको बताऊंगा कैसा इसका टेस्ट। आइए करते हैं उसको टेस्ट। पहले मैं ट्राई करूंगा राज कचौरी जिसकी प्राइसिंग है 60 रुपीज़। और देखिए गाइस 60 रुपीज़ के अंदर आंटी ने इसको कितना लोडेड कर दिया है, ये देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली भैया ने, बहुत सारी चीज़ें, मतलब 60 रुपये के अंदर एक जने के हिसाब से तो इनफ है, मतलब एक इंसान, मतलब मैं अकेला आया हूँ यहाँ पे तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। मैं बात करता हूँ आलू के मसाले की, तो हल्का सा स्पाइसी है वो, और चने हैं इसके अंदर, चने अंडे ने बॉइल करके डाले ना, तो हेल्थ वाइज भी अच्छे है ये, ऐसी बात नहीं है। और 60 रुपीज़ के अंदर बहुत अच्छी राज कचौरी। हम एक दूध भाई है ऐसे फूड पर यहाँ पे आकर ट्राई करिए। एक तो जो मेरे पीछे देखिए कितनी सारी ऑडियंस है, तो सारे लोग बैठ कर ट्राई कर रहे हैं इसको। रोज में कितने क्राउड रहता है कि आज ज़्यादा? सैटरडे संडे को तो बहुत ज़्यादा रहता है। ओके इतना टाइम भी नहीं होता सैटरडे संडे, देख सकते हो सैटरडे संडे इतना टाइम भी नहीं होता है, तो आप सैटरडे संडे भी आ सकते हो, इसी को बात नहीं है। पर हाँ शुक्रवार शनिवार इनमें आओगे तो आप आराम से आंटी से बातें कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं अपना फूड। उसका क्या नाम था आंटी? ये लच्छा टोकरी। लच्छा टोकरी भैया, दोनों का टेस्ट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सेम ही है। अब उसका कवर ये देखिए, ये है टोकरी आलू की, इसकी प्राइसिंग 60 रुपीज़ है। ये है टोकरी के, टोकरी के साथ ट्राई करूँगा तो और मज़ा आएगा, क्योंकि इसका जो क्रिस्पी बन है बहुत अच्छे से आएगा। और ये आ गया मेरा काजू, दोई का टेस्ट सेम है, पर इसके अंदर एक चीज़ ये है कि आलू की टोकरी की वजह से थोड़ा सा क्रिस्पी बन ज़्यादा है, दोई का टेस्ट सेम है, दोई की प्राइसिंग भी सेम है, उसकी भी 60 और इसकी भी 60। ये देखिए आंटी ने इसके अंदर आलू डाले हैं, छोले डाले हैं और ऊपर से बूंदी डाली, जिससे हल्का सा स्पाइसी बना है। और क्रिस्पी बन्स के लिए टोकरी तो ऐसी है हमारे आलू की। मन खुश हो गया, मैं एक दूध आगे भेज गया इसको, दो चीज़ों से मन खुश हुआ, एक तो आंटी से मिल के, दूसरा इसको खा के। 60 रुपये के अंदर इतनी बढ़िया लोडेड चीज़ मिली मेरे को आज, कि मैं जब भी मैकदूत आऊँगा आंटी आपके पास ज़रूर आऊँगा। और मैं आपको ही बोलूँगा हम यहाँ मैकदूत पाए आपको ऐसे फूड मिलेगा जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छी मिलेगी, उसके अलावा आंटी के पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे आकर ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खा पी के इंदौरी।